हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ। अभी तो बॉटल चढ़ा के आए हैं और ये अनिल ने मंगवाया है, स्टडी टेबल है। अब स्टडी करेगी जोशना। अच्छा तो है स्टडी करने की, लेकिन बोले तू अनबॉक्स कर, मैं कर। अरे इधर इधर से मारना कटर। सब जगह से ऐसे खुलेगा देख। ना को बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं, निकलनी है जी। टेबल भेजो। तो ये पूरा तोड़ दिया जोशना ने। अभी भी नहीं निकलेगी क्या? ये जोशना की स्टडी टेबल। क्या स्टडी टेबल? मैं कौन सी स्टडी कर रही हूँ अभी? इसके ऊपर, बेड के ऊपर स्टडी कर सकते हैं ना? अच्छी है। अच्छी है, ठीक है। आपका अनबॉक्स हो गया, अब मैं सो रही हूँ। ओके, गुड नाइट चिट्टे। खाना तो अनिल शाम को नाश्ता करके आए हैं, इसके लिए वो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो उनको मैंने बटर मिल्क एक ग्लास बना के दिया है, तो वो पी रहे हैं। मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाए हैं, क्योंकि है ना ये थोड़ा सा मुंह का स्वाद अच्छा हो जाए, क्योंकि बुखार में मुंह का स्वाद कैसा हो जाता है। और तो कुछ खाने का मन हो नहीं रहा। दवाई थी जो हॉस्पिटल में ही खा ली थी, और यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको नहीं बताया ना बब्बू का नाम हमने रखा है सृष्टि। व्लॉग में नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, ठीक है, व्लॉग नहीं बना। आने के बाद साफ सफाई में दी, के बाद कोई व्लॉग नहीं बना। आज मैंने वीडियो कॉल पे देखा बब्बू को, और उसका नाम हमने सृष्टि रखा है। पहले तो नानी, इसकी नानी ने बोला कि सृष्टि नाम कैसा रहेगा। फिर सुबह सब सोच रहे थे कौन सा नाम रखे। फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि सृष्टि नाम अच्छा है, फिर देख लो। आप सब ने डिस्कस किया और सबको अच्छा लगा सृष्टि नाम, फिर सृष्टि नाम रख दिया। ले हम सोच रहे थे मीन राशि का, ना मीन राशि का सोच रहे थे कि मीन राशि आएगी, फिर मीन राशि नहीं आई। और कौन सी राशि आई बाद में? धन राशि। कंफ्यूज हूँ मैं राशि में, सृष्टि नाम रख दिया, और कुछ नाम सूझ नहीं रहा था। पहली राशि थी ना, उसमें मैं बोल रही थी जोया दित्या और जोया बोल रही थी, सृष्टि बोला तो हो गया इसका नामकरण। बस मैं आपसे सुबह मिलती हूँ, अभी फिलहाल मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग धर्माचार। अभी दोपहर का टाइम है, गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, दिमाग सही नहीं है मेरा। तो अनिल जस्ट अभी गए हैं, चाय भी नहीं बनाई मैंने, ऐसे लेट रही थी। फिर अनिल ने लैपटॉप में महाभारत स्टार्ट कर दिया, तो मैं महाभारत देख रही थी। खर ऐसा है, आ रहा है जा रहा है, तबीयत इतनी खराब है, मतलब कि सर्दी ऐसे ठंड लग रही है, पल में गर्मी हो रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा बॉडी में, ऐसा हाल है। अनिल जस्ट गए, दरवाज़ा बंद किया और मैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ देखा तो 3-4 जायफल पके हुए, तो मैंने सोचा उतार लूँ, उतार के रखूँ, बाद में खाने में काम आएंगे। और आज तो मुझे खाना सिर्फ रोटी है, खाना कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। रात को भी कुछ नहीं बनाया था, अनिल ने छाछ पी थी, तो मैंने पॉपकॉर्न बनाया था ताकि मेरा मुंह का स्वाद थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसके लिए अभी मैं चाय बनाऊँगी और बिस्किट के साथ खा लूँगी, लेकिन दोपहर को फ्रूट खा लूँगी।
कल अनिल ने टिकट बुक करवाई है गदर 2 की, तो मूवी देखने जाना है, लेकिन हाल ऐसा है तो अनिल बोल रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो सही है, नहीं तो मैं किसी और के साथ मूवी देखने चला जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है आप जाना, लेकिन मेरा भी मन है मूवी देखने का, लेकिन शाम तक मेरी तबीयत सही हो जाए तो ठीक है। आज मैं सिलाई विलाई कुछ भी नहीं करूँगी, आज सिर्फ मैं आराम करूँगी बस, ऐसे सोते सोते जल्दी से ठीक हो जाऊँ। दवाई खानी है, दवाई खा लूँ, जो अपडेट होगी वो आपसे मैं बताऊंगी। अब नहाया भी नहीं है क्योंकि बुखार था सुबह सुबह, अब धूप है तो नहा लूँगी। क्या है पता है कि तुरंत ही ठंड लग रही है, तुरंत ही गर्मी हो रही है, तो ऐसे में फिर ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, इसके लिए मैं गर्म पानी करके नहा लूँगी। फिर आपसे मैं मिलूँगी, कब मिलूँगी पता नहीं, शाम को मिलूँगी या फिर दोपहर को मिलूँगी, जब मिलूँगी तब आपसे ज़रूर मिलूँगी। इतनी देर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मेरे फ़ोन में ऑन ही नहीं था वीडियो, मतलब कि ऐसे ब्लॉग के चक्कर में मेरा फ़ोन गिर गया। इतने हमारे जायफल उतरे हैं वहाँ पे रखे हैं, और इसको धो के बाद में खाऊंगी। और आज सब्जी वाला आया था तो आज मैंने ये सब्जी ली है, घीसौड़ी बोलते हैं हम इसको, और इसकी सब्जी है ना मुझे बहुत पसंद है लेकिन अनिल को नहीं पसंद, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो इसमें ना सेब या फिर गांठिया, जो गांठिया बोलते हैं ना वो डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो इसके लिए मैंने इतनी ली है, मतलब कि एक टाइम की सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने ली। और किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि रात को मैं हॉस्पिटल से आई और पॉपकॉर्न बनाया और खाया। मुझे ना दालिए चाहिए थे लेकिन थे नहीं, तो फिर मैंने पॉपकॉर्न बना लिया, वो भी हल्दी वाले होते ना, तो इससे ना हमारा गले का स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और मुझे कुछ खाने का मन नहीं था, और शाम को अनिल ना बाहर से ही खा के आ गए थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आज कुछ मत बनाना। तो इसके लिए फिर अनिल ने सिर्फ छाछ पी और मैंने सिर्फ पॉपकॉर्न खाए, और रात को मेरी कोई दवाई नहीं थी इसके लिए खाना नहीं था, तो चला दवाई लेके आ गई। और आज तो दवाई देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ क्या। तो ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ, और ये खांसी की बोतल है, ये गले में जो खिंच खिंच रहता है ना उसकी है दवाई चूसने वाली, फिर ये बुखार की है, और ये पेट दर्द की है, और ये बुखार की है, और ये सिर दर्द की है, और ये पेट साफ करने की है। मतलब कभी कभी हमको ऐसा हो जाता है ना, गैस बनता है या फिर पेट अच्छे से साफ नहीं होता, कब्ज हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। और बॉडी है तो बॉडी में तो होता रहता है सब, लेकिन मुझे बार बार सुनना पड़ता है कि तुम तो हर वक्त बीमार ही रहती हो, बीमार ही रहती हो। लेकिन मेरा बीमार होने के बाद है, मेरा बीमार होने का कोई ना कोई रीज़न होता है, मैं ऐसे ही बीमार नहीं पड़ती। मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ तो बीमार पड़ती हूँ, या फिर काम का लोड या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो मैं बीमार पड़ती हूँ, वरना मैं बीमार नहीं पड़ती। नहीं तो मुझे भी काम करना बहुत अच्छा लगता है, और हमारा शरीर है उसमें तो हम थोड़े बहुत तो बीमार होते ही हैं। और जब ऋतु चेंज होती है, मतलब कि अभी ना थोड़ी सी ऐसे बारिश का मौसम है, फिर गर्मी हो रही है, फिर रात को ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से भी है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ऋतु चेंज होती है तो मुझे बुखार आता ही, वो तो मुझे पता है। और बाकी तो बहुत सारी अपना ध्यान नहीं रखा, नींद पूरी नहीं की, और इसकी वजह से। और आई तो सीधा मैं काम में ही लगी गई, लगती रह गई, और खाने पे भी ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से मैं बीमार पड़ गई। और यहाँ पे अनिल ने मुझे महाभारत स्टार्ट कर दिया था, स्टडी टेबल देख रही थी कहाँ है, वहाँ नीचे पड़ी है, तो फिर इसके बाद मैं स्टडी टेबल के ऊपर रखूँगी और यहाँ पर मैं महाभारत देखूँगी। और कचरा पोता ये तो सब मैंने रात को कर दिया था, तो इतना घर हमारा गंदा नहीं है, तो आज ज़बरदस्ती वाला कोई भी काम नहीं करूँगी, बस अपना खाना और अपना ध्यान रखना और पूरा दिन अपने लिए। और सिलाई का काम मैं कल से स्टार्ट करूँगी, आज मैं सिलाई भी नहीं करूँगी, कल मैंने थोड़ी सी की थी, और परसों ये मैंने कुशन कवर सारे बनाए हैं, एक दिन में कटिंग की सब बना दिए, और बाकी सारी चीज़ें हैं
जो आपसे मैं बाद में शेयर करूंगी। और फिलहाल तो अभी मैं खा के, दवाई खा के वापस से सो जाऊंगी।